हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं महेश सिंह। तो फ्रेंड, आज ही कोने वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो फ्रेंड, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि जब भी आपका न्यू पेट्रोल पंप बने तो आपके पेट्रोल पंप पे एक बेंडर काम करवाने के लिए आएगा, जो कि पूरे पेट्रोल पंप का काम, पेट्रोल पंप बनाने का काम वो बेंडर करेगा। तो आपको देखना होगा कि वो बेंडर जो भी काम कर रहा है वो सही तरीके से कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जैसे कि हमारे पेट्रोल पंप पे जब पेट्रोल डीजल की लाइन जाती है, जो हमारे टैंक होता है पेट्रोल डीजल के, जो टैंक होते हैं, टैंकों से ट्रेंच लाइन जाती है जो कि मशीन तक पेट्रोल डीजल की लाइन जाएगी, वो अंडरग्राउंड लाइन जाती है। पहले उसमें सीसी होती है नीचे की साइड, फिर उसको ज़मीन पे ईंट और मसाले की चिनाई होती है। चिनाई होने के बाद फ्रेंड फिर उस पर पीसीसी हो जाती है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब वो आपकी ट्रेंच लाइन जाती है, उसमें जो ईंटा लगता है वो नंबर एक का ईंटा लगता है, फर्स्ट नंबर का ईंट उसमें लगती है। उसमें फर्स्ट नंबर की ईंट इसलिए लगती है फ्रेंड कि उस पर जो हमारी जो ट्रेंच लाइन होती है, नीचे से वो पाइप जाते हैं पेट्रोल डीजल के लाइन, तो वहाँ से ऊपर से जो हैवी हैवी ट्रक निकलते हैं तो उस पर डैमेज ना हो जाए जो हमारी लाइन, इसलिए उस पर नंबर एक ईंट लगती है, क्योंकि वो ट्रकों का लोड झेल सके इसलिए वो हैवी ईंट लगाई जाती है उसमें, जो कि नंबर एक की ईंट होती है। उसमें आप कानपुर की भी लगा सकते हैं, फ्लाई केस भी लगा सकते हैं वो, लेकिन नंबर एक की ईंट होनी चाहिए आपकी। तो इन्होंने हमारे पेट्रोल पंप पे क्या किया, इन्होंने थर्ड नंबर की ईंट लगाई। थर्ड नंबर की ईंट ऐसी थी कि वो ऐसे मारते ही टूट जा रही थी ईंट कई जगह से। तो आपको मैं बताना चाहता हूँ कि हमारी जो लाइन बन गई थी, फिर बनवाने के बाद फिर हमने उसकी कंप्लेन की। कंप्लेन करने हमारे जो टीएम होते हैं, टीएम जो टेरिटोरियल मैनेजर होते हैं, हमने उनको एक कंप्लेन की। कंप्लेन करने के बाद हमने उनको ईंट दिखाई गई फोटो के माध्यम से, तो उन्होंने वो ईंट को देख के उनको रिजेक्ट किया, जो कि उनकी लाइन बन चुकी थी। पूरी लाइन बनने के बाद वेंडर ने ट्रेंच लाइन पूरी बनवा दी थी। बनने के बाद हमने फिर उसको तोड़वाया, तोड़वाने का आदेश आया, पूरी लाइन टूटी। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि जब भी आपका न्यू पेट्रोल पंप बने तो बड़ा ध्यान रखें आपका काम सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो चलिए मैं अभी आपको वीडियो में दिखाता हूँ कि वो कैसे लाइन बन रही थी, कैसी ईंट थी, जो हमारी ट्रेंच लाइन बन रही थी वो कैसे बन रही थी। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो फ्रेंड, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए अब हम आपको दिखाने वाले हैं कि हमारे पेट्रोल पंप पे क्या क्या काम गलत किया था, इसलिए हमने उसको तोड़वाया। चलिए फ्रेंड, तो फ्रेंड देखिए, यहाँ से पेट्रोल डीजल की लाइन जाएगी, जो कि ये ईंट लगा रहे हैं, ये रद्दी क्वालिटी की ईंट लगा रहे हैं। यहाँ से ट्रक निकलेंगे इसके ऊपर से। देखिए ये जो ईंट है, ये रद्दी क्वालिटी की ईंट है। हम आपको दो ईंट तोड़ के दिखाएंगे। देखिए एक और तोड़िए। देखिए फ्रेंड, जब ऐसे टूट जा रही है ईंट, तो हमने इसको क्या करवाया फ्रेंड, ये पूरी ट्रेंच लाइन बन गई थी। ये देखिए पेट्रोल डीजल की लाइन भी टल गई थी, इसके बाद पूरी ट्रेंच लाइन कंप्लीट हो चुकी थी। फिर हमने इसको तोड़वाया। ये जो बेंडर है ये अपनी अपनी चला रहा था, ये रद्दी क्वालिटी की ईंट लगा रहा था बेंडर। हमने इस बेंडर की कंप्लेन की, जहाँ भी हमारा ऑफिस पड़ता है बाहर पेट्रोलियम का, हमने वहाँ पे इसकी कंप्लेन की। कंप्लेन करने के बाद हमने ईंट भी दिखाई, ईंट की फ़ोटो भी भेजी, और वहाँ पे उन लोगों ने इसको रिजेक्ट कर दिया। तो यहाँ पे पूरी ट्रेंच लाइन टूट रही है। अब देखिए ये ट्रेंच लाइन दोबारा से बनेगी, हमने इन्हें पहले ही मना किया था। देखिए इस सारी ट्रेंच लाइन को तोड़ेंगे और फिर दोबारा से न्यू बनाएंगे। इसमें नंबर एक की ईंट लगती है। तो फ्रेंड, जब भी आपका पेट्रोल पंप बने, न्यू पेट्रोल पंप, तो आप वहाँ पर देखिए कि हर चीज़ क्वालिटी की यूज होनी चाहिए। ईंट भी, अगर आपका ट्रेंच लाइन का काम हो रहा है तो वहाँ पे नंबर एक की ईंट लगती है। कानपुर की लगवा लीजिए, कानपुर की भी लगवा सकते हैं आप, फ्लाई केस की भी लगवा सकते हैं। तो यहाँ पर नंबर एक की जो ईंट होगी वो यूज होगी। और यहाँ पर इन लोगों ने क्या किया, यहाँ पर थर्ड नंबर की ईंट का यूज किया, इसलिए हमने इसको तोड़वाया। दोबारा से इनकी कंप्लेन करके हमने इसको तोड़वाया, और अब ये नंबर एक की ईंट लगाएंगे। यहाँ पे नंबर एक की ईंट लगाकर फिर इसको बनाएंगे दोबारा से। देखिए हम इसको पूरी तोड़वा देंगे। देखिए सारी ट्रेंच लाइन को हम तोड़वाएंगे। ये बेंडर नीली टी शर्ट में है, जो ये बेंडर का सुपरवाइजर है। हमने इसको पहले भी मना किया था कि ये वाली ईंट यूज नहीं होगी, क्योंकि जो हमारे पास ड्राइंग आती है पेट्रोल पंप की, पेट्रोल पंप ड्राइंग के अनुसार बनता है। जो हमारे पास ड्राइंग आती है
उसी के अनुसार उसमें सब कुछ लिखा होता है कि किस प्रकार से कौन सी चीज़ यूज होगी। जैसे कि उसमें ये लिखा होता है कि आपकी ट्रेन चलाने में नंबर एक की ईंट लगेगी, तो वही हमने नंबर एक की ईंट लगवाई। अब ये बैग टांग के भाई साहब जा रहे हैं, क्योंकि हमने इसको इनकी कंप्लेन की है। कंप्लेन करने के बाद इनको कुछ आता वगैरह है नहीं और इन्होंने ये गलत काम करवा दिया। तो देखिए पूरी ट्रेन लाइन को तोड़ी जाएगी, फिर दोबारा से बनेगी ये, फिर यहाँ से पेट्रोल डीजल की लाइन जाएगी, क्योंकि इस पर हैवी ट्रक चढ़ते हैं, ऊपर से क्रॉस करते हैं ट्रेंच लाइन को और नीचे से पेट्रोल और डीजल की लाइन जाती है। इसलिए उसको कुछ हो ना जाए, इसलिए उसमें नंबर एक की ईंट यूज की जाती है मजबूती के लिए। इन्होंने हमारा काम बिगाड़ दिया है बेंडर ने, इसलिए हमने इनको इनके जो सुपरवाइज़र को हमने थोड़ी सी सुना दी, इसलिए ये यहाँ से जा रहे हैं। अब कोई दोबारा से दूसरा सुपरवाइज़र आएगा, दोबारा भेजेगा, जब तक के लिए हम ये काम नहीं करवाएंगे, तब तक का इसको तोड़वाएंगे। तोड़वाने के बाद नंबर एक की ईट आएगी, फिर इसको दोबारा से बनवाएंगे। अभी मैं आपको एक वीडियो और डालूँगा कि जब आपकी पेट्रोल पंप की वायरिंग जाती है, केबलें जाती हैं, तो केबलों के अंदर जो पाइप डलता है वो भी आपका नंबर एक का पाइप डलता है। जैसे कि सुप्रीम का हुआ, आप किसान अप्रूव नहीं है लेकिन वो चला देते हैं, ठीक है, किसान का भी 6 सेंटीमीटर केजी स्क्वायर में चलता है वो पाइप। तो देखिए सारी ट्रेंच लाइन। तो फ्रेंड जैसा कि अभी आपने देखा कि नंबर एक की ईंट नहीं लगाई गई, उसमें थर्ड क्वालिटी की ईंट लगाई गई, इसलिए हमने लोगों की कंप्लेंट की, बेंडर की कंप्लेंट करने के बाद पूरी ट्रेंच लाइन बनने के बावजूद भी हमने फिर उसको तोड़वाया और तोड़वाने के बाद हमने उसमें नंबर एक की ईंट लगवाई। वो नंबर एक की ईंट किस लिए लगवाई कि उससे जो हमारी पेट्रोल और डीजल की लाइन जाती, जो हमारे पेट्रोल डीजल के टैंक होते हैं बड़े बड़े, उसकी उस वहाँ से लाइन जाती है हमारी पेट्रोल पंप मशीनों तक जो लाइन जाती है। फ्रेंड उसमें क्या हुआ कि इन्होंने थर्ड नंबर की ईंट लगाई, इसलिए जैसे बड़े बड़े हैवी वाहन आते हैं, हाई वाटर ट्रक वगैरह ये सारी चीज़ें आती हैं, तो जो हमारी ट्रेंच लाइन होती है तो ट्रेंच लाइन के ऊपर से वो ट्रक निकलते हैं, इसलिए ट्रेंच लाइन डैमेज ना हो जाए इसलिए उसमें नंबर एक की ईंट लगाई जाती है और उस पर फिर ऊपर से PCC कर दी जाती है। उन्होंने ये गलती कर दी थी, इसलिए हमने उसको पूरा तोड़वाया, तोड़वाने के बाद फिर दोबारा से बनवाया। ओके फ्रेंड, तो आज की वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि फ्रेंड मैं पेट्रोल पंप से जुड़ी वीडियो बनाता रहता हूँ। ओके फ्रेंड, नमस्कार।